गुड मॉर्निंग क्लास, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर मोशन पार्ट 2 कराता हूँ। तो जिसने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है मोशन चैप्टर का, तो वो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। तो हम पार्ट 1 में क्या क्या कर चुके थे, एक कर चुके थे डिस्टेंस, एक कर चुके थे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्लास, हमने क्या करा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पार्ट 2 में आज हमें क्या करना है, तो हम पार्ट 2 में टारगेट रखेंगे अपना क्या, कि हम करेंगे एक स्पीड करेंगे, एक वेलोसिटी, एक एवरेज स्पीड एंड लास्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। तो क्लास समझते हैं चारों टर्म के बारे में, ठीक है ना। तो एक चीज होती है, सबसे पहले देखते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो देखो डेफिनेशन हम किसी ने पढ़ी है, ठीक है, और बहुत आसान होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है क्लास, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दैट इज वेक्टर, ऑनली मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर। सपोज इफ आई से, अगर मैंने कहा कि मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, इफ आई से आई पुट अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन टू दिस ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये अंडरस्टूड है कि जो फोर्स है वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे इधर लगे, चाहे इधर लगे या कहीं पे भी लगे, फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो ये जो नंबर लिखा है 4, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो क्लास मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, वो नंबर को कहते हैं। सपोज मैंने कहा आपने कितनी रोटी खाई, और आपने कहा मैंने 4 रोटी खाई, तो ये 4 है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मतलब जो भी वो डिफाइन करेगा। तो हमारा वेक्टर का एग्जांपल हो सकता है फोर्स। एक और एग्जांपल देखो, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्लास एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्लास डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मेरे मन में आया क्लास कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है, मतलब दूरी बताता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है और ये टोटल पाथ होता है। तो अब मेरे मन में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट है क्लास, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर हो गया। तो आप एक चीज समझो, हमने क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, चाहे कहीं पे भी हो, हम हमेशा किधर से किधर जाते हैं, इनिशियल से फाइनल। तो हम पे एक डायरेक्शन है ना, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैंने आपको कहा वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन किस तरफ का होगा वो डिफाइन करेगा, लेकिन डायरेक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक आता है डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। अब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, ठीक है ना। जैसे एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज लिख के दिखाता हूं, आपका जो बॉडी वेट होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सपोज मैंने कहा आपका वेट कितना है, आपने कहा 40। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो ग्रेविटी के वजह से हमेशा किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड। तो देखो सपोज आपने कहा मेरा वेट 40 है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया प्लस, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया वेट का, 40। अब किसी का भी वेट हो उसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है, डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर देखा जाए तो वेट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए वेट कौन सी कैटेगरी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं क्लास, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सपोज मैंने कहा डिस्टेंस, है सपोज मैंने कहा आपके और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो अब ये डिस्टेंस को डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि अगर जिसका पाथ जैसे होगा उसका डिस्टेंस क्या करता रहेगा, वेरी, और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा।
अगर सपोज मैंने कहा, अगर सपोज क्लास मैंने कहा स्पीड, तो आप स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं क्लास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किससे निकलता है? डिस्टेंस से। और डिस्टेंस अपने आप में क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो क्लास अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्लास देखे, आपके पास सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपसे सपोज, और स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, और इसे दूरी, और इसे समय। तो क्लास अगर परिभाषा डेफिनेशन आती है व्हाट इज स्पीड, तो आप कहोगे इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इज नोन एज स्पीड। वहीं अगर मैं किसकी बात करता हूँ, चाल की परिभाषा हिंदी में, तो चली गई दूरी कुल समय में क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो आपने क्या देखा? स्पीड का एक फॉर्मूला है। वहीं अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करता हूँ, वेलोसिटी को कहते हैं वेग, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वही वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन डिवाइडेड बाय मतलब भाग समय। तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी की डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, सॉरी इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अब आपने क्या देखा क्लास? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता था स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई, इसी वजह से जो हमारा स्पीड है वो आता है स्केलर क्वांटिटी, और हमारा जो वेलोसिटी है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड आ गया स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी आ गया वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और क्लास इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अब समझना क्लास, यहां से एक बहुत बड़ी चीज है, स्पीड के पास सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी कि अगर आपने सपोज किसी से कहा कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, सपोज इफ यू से समवन, इफ यू से आई कवर्ड द डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अब इसका मतलब है कि आपने उसे मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि मेरे स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है 60, लेकिन आप डायरेक्शन डिफाइन नहीं करें। क्यों? आपने बताया नहीं कि आप किस डायरेक्शन में आए, कि नॉर्थ से साउथ आए, साउथ से वेस्ट आए, कहाँ आए। क्यों? क्योंकि स्केलर क्या होती है, सॉरी स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। वही अगर आप किसी को बोलते हो आई कम विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन द डायरेक्शन। अगर आप किसी को वेलोसिटी बोलते हो तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है क्लास। तो ये तो रहा स्केलर वेक्टर के कांसेप्ट से। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? लेंथ ही होता है। तो लेंथ की यूनिट क्या क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है क्लास किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, और भी बहुत कुछ होता है, डेसीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, लेकिन इतने तीनों से काम चल जाएगा। ठीक है ना। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट भी इसी हिसाब से आवर होती है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है क्लास। तो आपने क्या देखा? हम पे डिस्टेंस यानी कि लेंथ के भी तीन पॉसिबिलिटीज है यूनिट में, और टाइम की भी तीन पॉसिबिलिटीज है यूनिट में। तो चाहे स्पीड कह लूं मैं और चाहे वेलोसिटी कह लूं, अगर मैं बात करता हूं एसआई यूनिट की, किसकी बात करता हूं क्लास? एसआई यूनिट की। तो एक हो सकती है
किलोमीटर पर आवर या फिर हो सकती है मीटर पर मिनट या फिर हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैंने कहा रैंडम पॉसिबिलिटी, रैंडम पॉसिबिलिटी मतलब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा भी तो हो सकता है क्लास कि कोई इंसान डिस्टेंस तो किलोमीटर में ले और टाइम किस में ले ले, मिनट में, या फिर डिस्टेंस किलोमीटर में ले और टाइम किस में ले ले, सेकेंड में, या फिर डिस्टेंस तो मीटर में ले और टाइम किस में ले ले, आवर में, डिस्टेंस तो मीटर में ले टाइम किस में ले ले, सेकेंड में, डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में ले टाइम किस में ले ले, आवर में, डिस्टेंस तो सेंटीमीटर ले टाइम किस में ले ले, मिनट में। तो क्लास हमने क्या देखा, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है किसके लिए, ऐसा यूनिट बनाने के लिए, किसकी ऐसा यूनिट बनाने के लिए, डिस्प्लेस वो वेलोसिटी एंड स्पीड की। तो अब क्लास एक चीज समझते हैं, ये रैंडमनेस है, रैंडमनेस का मतलब होता है ये सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपको भी पता है कि हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब हमें कुछ फिक्स चीजें करनी पड़ती हैं और उसी के हिसाब से हमारा क्या चलता है, सारा कैलकुलेशन चलता है। तो जैसे आपको पता होगा वेट के लिए हम किलोग्राम और ग्राम यूज करते हैं ना, जनरली चीजें किलोग्राम ग्राम में होती है, ऐसे तो होता तो बहुत कुछ है ना, मिलीग्राम भी होता है ठीक, डेसीग्राम भी होता है, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम ग्राम। वैसी इन सभी पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड हमारे लिए स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज का मतलब फाइनाइट चीजें सिखा दी, फाइनाइट मतलब गिनी चुनी चीजें हमारे सामने रख दी और कहा भाई अब सब लोग इसी को पढ़ेंगे। क्यों, अगर स्टैंडर्डाइज नहीं करते, कोई इसमें खेल रहा कर रहा, कोई इसमें कर रहा होता, कोई इसमें कर रहा होता। तो हमने क्या सीखा, स्पीड या वेलोसिटी की दो यूनिट हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्डाइज है, वन इज किलोमीटर पर आवर एंड अदर वन इज मीटर पर सेकेंड। तो क्लास देखें, तो स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, जब बात ऐसा यूनिट की आती है तो दो यूनिट हो सकती है, वन इज किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड वन इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्लास, तो मैंने आपको बता दिया कि चीजें कहां से आई है। इसके बाद जब भी आपको ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, अब हम सीखेंगे क्लास कन्वर्जन। क्या सीखेंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है क्लास, अगर मैंने आपको कहा कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये कन्वर्जन आपको पता है ना, क्या पता है, अगर मैं आपको कहूं 2 किलोग्राम तो आप कह सकते हो 2000 ग्राम, बिकॉज यू नो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। लेकिन इसी चीज को हम कन्वर्जन कहते हैं। इसी तरीके से मुझे अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो स्पीड या वेलोसिटी और मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो क्लास देखते हैं, ऊपर है किलोमीटर नीचे आवर, किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, और आवर को किसमें चेंज करना है, सेकेंड में। तो क्लास 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, आवर को किसमें चेंज करना है क्लास, सेकेंड में। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो क्लास अब ये कन्वर्ट हो गया ना मीटर पर सेकेंड में, ओके। तो अब आपके पास आ गया 1000/3600 मीटर पर सेकेंड, 20 से 20 कैंसिल, 10/36 दैट इज 5/18, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, जैसे कि सपोज मैंने लिखा क्लास 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपको क्या पता होता है कि किलोग्राम को जब भी ग्राम में चेंज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। सिमिलरली इफ आई से किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू दिस मच ऑफ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब भी किलोमीटर पर आवर में देगा और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, 5/18 से। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, जो डायग्राम आपको याद रखना है और उस डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है डायग्राम क्लास, वेन एवर यू हैव टू गो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड यू हैव टू मल्टीप्लाई वी 5/18 and whenever you have to go meter per second to kilometer per hour you have to multiply it by 18/5। तो ये डायग्राम है क्लास जिससे आप एनर्जी कन्वर्जन मतलब ऐसा यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने ये वाला क्यों नहीं कहा क्लास, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो करो और चाहो तो डायरेक्टली किसके रेसिप्रोकल वैल्यू को याद कर लो। तो ये आपसे कोई पेपर में नहीं आने वाला कि कैसे कन्वर्ट करते 5/18, बट आप जानते हो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है क्लास। अब आपके पास आता है एक आता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है क्लास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वहीं अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी तो होता है क्लास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे क्लास आपको पता होगा आप अपने मार्क्स के एवरेज निकालते हो, तो कैसे निकालते हैं एवरेज, सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो टोटल वर्ड आ जाता है एवरेज में। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। अब इसके बाद क्लास अब हमें इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों का इंप्लीमेंटेशन करना है। तो सपोज मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, सपोज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन क्या लिखा कि एक आदमी ए से बी गया, ए से बी गया कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से, ओके। अब वो रिटर्न करा कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए क्लास कितना आसान है टॉपिक, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं क्लास। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ये है ए से बी, ओके। हमने मान लिया इसका टोटल डिस्टेंस है एक्स, कितना है एक्स, ओके डिस्टेंस कितना है एक्स। नाउ आपको देखो क्या पूछा है क्लास, मैंने आपको बार बार बताया कि आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्लास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। तो अब बस हमें यही चीज करनी है और कुछ नहीं करना। तो पहले क्लास देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस आप वो ए से बी गया और फिर बी से ए वापस आ गया, क्वेश्चन यही कह रहा है। ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस कवर करा क्लास उसने, एक्स। बी से वापस ए आ गया तो कितना कवर करा, एक्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। ए से बी जाने का एक्स और बी से ए आने का दोबारा एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टू एक्स। नाउ क्लास वी हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम, क्या कैलकुलेट करना है क्लास, टोटल टाइम। मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू ए, मतलब ए से बी जाने में जितना समय लग रहा है उसे प्लस बी से ए आने में जितना समय लग रहा है, वही उसका क्या होगा, टोटल टाइम। अब क्लास देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां लगाते हैं टाइम फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय स्पीड फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू ए, डिस्टेंस ऑफ बी टू ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी टू ए। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, एक्स। स्पीड ऑफ ए बी, ए से बी कितनी स्पीड से गया था, 20 प्लस डिस्टेंस ऑफ बी ए, वो तो एक्स ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से आया था वो, 30। आप दोनों का एलसीएम ले लो 60, 20 के टेबल में 60 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स,
3x, 20 के टेबल 30 के टेबल में 60, 2 टाइम्स 2x, दिस विल गिव अस 5x बाय 60, x बाय 12, 5 बाय 5, 5 से 12, तो ये आ गया आपका टोटल टाइम, क्या आ गया क्लास, टोटल टाइम। नाउ अब मैं ये वैल्यूज काउंट आगे रख दूंगा फॉर्मूले में, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है क्लास 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है क्लास x बाय 12, आपको पता ही है ये यहां चले जाता है 2x अपॉन x इनटू 12, x से x के दैट इज 24। अब देखो क्लास उसने यूनिट किलोमीटर पर आवर दिया था, तो हम भी किस पे छोड़ेंगे आंसर, किलोमीटर पर आवर, समझ आया क्लास। ओके नाउ अब मैं इसी क्वेश्चन को, अब मैं क्लास इसी क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है क्लास, अब मैं इसी क्वेश्चन को, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एस वन मल्टीप्लाई एस टू डिवाइडेड बाय एस वन प्लस एस टू, एस वन एस टू होता है स्पीड्स, 2 की जगह 2 एस वन, पहली स्पीड कितनी है 20 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है 30 डिवाइडेड बाय पहली स्पीड 20 दूसरी स्पीड 30, दिस विल गिव 2 20 30 और नीचे 50, 0 से 0 गया, 5 से 4, 4 टू द 8, 8 से 24। तो क्लास हमने क्या देखा, आपके पास एक और शॉर्टेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कई टीचर्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो क्लास याद रखना, कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी, चाहे मैथ हो साइंस हो कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी शॉर्ट ट्रिक हवा से नहीं आती, वो होता क्या है, टीचर्स किसी कंसेप्ट को डिराइव करते हैं और डिराइव करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कह देते हैं शॉर्ट ट्रिक, और वो रिजल्ट आपको क्या करना पड़ता है इंप्लीमेंट। मान लो आपने ये रिजल्ट याद कर लिया और आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, और इसी क्वेश्चन में अगर मैंने 3 स्पीड दे दी तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ट्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं इस क्वेश्चन के फॉर्मूले की ट्रिक को डिराइव करना, ठीक क्लास। ओके क्लास, तो क्वेश्चन है हम ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2 इसको डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है क्लास। डिराइव में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आपने 2 स्पीड वाला केस डिराइव कर लिया तो आप 3 4 5 6 7 कितनी भी स्पीड कहे आप उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो समझते हैं, सपोज वही केस, एक ए और एक बी, डिस्टेंस मान लिया एक्स, ए से बी गया स्पीड s1 से, बी से सी ए आया स्पीड s2 से। ओके, इसी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने मिटाया क्लास उसमें एवरेज स्पीड वेलोसिटी भी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और अगर वो वापस आ रहा है उसी पॉइंट पे जहां से उसने स्टार्ट किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी कितना होगा, जीरो। अब क्लास देखो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ क्लास टोटल डिस्टेंस कितना है क्लास, ए से बी गया एक्स और बी से ए आया एक्स, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम को लिख सकते हो क्लास, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और स्पीड ए टू बी, ए टू बी का डिस्टेंस एक्स है, ए टू बी का स्पीड कितना है s1। टाइम फ्रॉम बी टू ए, डिस्टेंस ऑफ बी टू ए स्पीड ऑफ बी टू ए, बी टू ए डिस्टेंस भी कितना है x और स्पीड कितना है s2। नाउ क्लास 2x एलसीएम लिया s1 s2, अब इसका एलसीएम लेना सीख लो क्लास, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ ये यहां चला जाता है सबसे ऊपर, 2x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, s1 s2 ये x है, x कॉमन लिया s1 प्लस s2, x से x कट गया 2 s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2,
तो क्लास आपने क्या देखा, हमने वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया जो आपने ट्रिक समझा था। तो देखो क्लास, पहला काम तो यही है कि आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए कि कैसे आ रहा है। अब आप एक चीज समझो, ये ट्रिक का ओरिजिनेटर, इसका पिता कौन है, ये फॉर्मूला ही तो है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट से हायर कंसेप्ट डिराइव करना आता है तो आपको सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा करा ही नहीं। सारे बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर रहे हैं और इसके बाद ये फॉर्मूला याद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप इसी से ये डिराइव करना सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कंसेप्ट बनाएंगे क्लास, कि अगर आपको दो स्पीड दे रखी है, दो स्पीड देखो दो केस में दे सकता है। एक केस तो ये हो गया कि ए से बी गया, बी से ए आया, और एक केस ये भी होता है क्लास कि अगर ये डिस्टेंस है ए टू बी एक्स और वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड एस वन से और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड एस टू से, और अगर आप पूछे एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो क्लास इस केस में भी सेम फॉर्मूला लगता है। अगर केस समझ आया क्लास कि ये पूरी डिस्टेंस है, मेरे हाथ के बराबर पूरी डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड एस वन से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पीड एस टू से, एंड ही इज आस्किंग फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्लास इस केस में भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही। तो मैं आपको ये भी डिराइव करके बता देता हूं ताकि आपको समझ आए कि कंसेप्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्लास ट्रिक्स में कभी भी नहीं जाना, ठीक है ना, ट्रिक्स बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हमारा चेंज होगा ट्रिक्स चेंज होगी। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टू टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी एक्स, क्योंकि वापस नहीं आ रहा वो, आधा आधा केस है। अब देखो सपोज मैंने इसे ए बी से सी दे दिया, टोटल टाइम को लिख सकता हूँ टाइम फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम फ्रॉम सी टू बी, मतलब ए से सी जाने में जो समय लगेगा प्लस सी से बी जाने में जो समय लगेगा, टोटल टाइम ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम। तो आप आगे देखो क्लास एक्स, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस कितना ए से सी का, एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी एस वन, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी एक्स बाय टू, और स्पीड कितनी है इसकी एस टू। नाउ क्लास इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या मिल जाएगा एक्स, नाउ एक्स डिवाइडेड बाय टू एस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू एस टू। तो क्लास अब हमें क्या करना है, दोबारा एलसीएम लेना है। अगर मैं एलसीएम लूंगा क्लास तो नीचे आएगा 2s2 और s1, और आप चाहे तो लिख सकते हो 2s1 s2। एलसीएम कैसे लेते हैं क्लास, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 रख दिया, एक s1 और एक s2। अब क्लास ये 2s1 s2 और यहां क्या है 2s1, किसकी कमी है s2 की, तो इसके साथ s2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2s2, किसकी कमी s1 की, तो उसके साथ s1 मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ x ऐसी रखा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, इधर क्या बचेगा क्लास s1 plus s2, और नीचे क्या आया 2s1 s2, ये कहां चले जाता है सबसे ऊपर, यही है ना क्लास। ओके अब आप में से कोई सोच सकता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो ऐसे होता है, ये x था, x के नीचे कुछ नहीं था 1, फिर क्या था x s2 plus x s1 divided by 2s1 s2, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्लास हमारे पास आ गया 2x s1 s2 divided by x s1 plus s2, x x किया 2s1 s2 divided by s1 plus s2। तो क्लास हमने देखा इस केस में भी हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही आ रहा है। तो अब आप क्लास एक चीज समझ रहे हो, आप नंबर ऑफ केस डिफाइन पहले से नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ केस हमारे बनेंगे, नंबर ऑफ केस समझ रहे हो ना, हो सकता है वो तीन पार्ट्स में कह रहा हो सकता है चार पार्ट्स में कह रहा हो, लेकिन आप एक चीज समझ नहीं रहे, इसका भी फादर कौन है ये कंसेप्ट। तो आपको सबसे पहली बात, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सीखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है क्लास। तो अब एक ही चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं एवरेज स्पीड का। अ पर्सन कवर्स
अ डिस्टेंस इन थ्री इक्वल पार्ट्स विद स्पीड एस वन एस टू एंड एस थ्री फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है क्लास, तो अब हमें इसका भी फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो क्लास, मुझे तो फॉर्मूला याद है, सबके फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लास समझते हैं, मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि आपको नंबर ऑफ ट्रिक्स याद नहीं करना। अब आप समझो, इसके लिए एक अलग ट्रिक होगा, उस क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक था, कितनी ट्रिक याद करोगे जिंदगी में, और भी तो काम है। तो पढ़ाई को इस तरीके से करो कि आपको चीजें क्या लगे, आसान लगे। तो मैंने कहा जब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, तो एक ही फॉर्मूला चलता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है क्लास, अब हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का कंसेप्ट करना। मानो ये डिस्टेंस है ए टू बी, हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को 3x, आप चाहो तो x भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, x मानो 3x मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3x क्यों मान रहा हूं समझना। अब उसने कहा था 3 इक्वल पार्ट्स, तो अगर मैं इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, x कितनी हो जाएगी, x। अब मान लो क्लास, मैं इसको x मानता तो मुझे ईच पार्ट की लेंथ कितना माननी पड़ती, x बाय 3। बस इसीलिए कि मेरा फ्रैक्शन में ना आए, मैंने इसको क्या मान लिया, 3x। वैसे ही इफ वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन आई विल अज्यूम इट 4x, x x x एंड x, ओके आपके ऊपर है। अब देखो, पहले केस में स्पीड s1 है, दूसरे केस में स्पीड s2 है, तीसरे केस में स्पीड s3 है। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्लास, 3x, क्योंकि 3x कवर कर रहा है टोटल। नाउ अब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, अब मैं लिख सकता हूं टाइम फ्रॉम, सपोज मैंने डिफाइन कर दिया ए बी, वो है सी और डी, तो मैंने क्या डिफाइन करा, टाइम फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम फ्रॉम सी टू डी प्लस टाइम फ्रॉम डी टू बी। सही है क्लास। नाउ 3x की जगह 3x लिखा, डिवाइडेड बाय टाइम फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए टू सी डिस्टेंस कितनी है क्लास, x, और स्पीड कितनी है s1, प्लस उस केस में डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड s2, x स्पीड s3। नाउ क्लास, अब मुझे इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों का मल्टीप्लीकेशन s1 s2 एंड s3। नाउ क्लास x, अब इधर देखो, यहां क्या s1 और यहां क्या s1 s2 एंड s3, अगर s1 को हटा दो तो कौन बचेगा, s2 s3, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करना है s1 s2 s3 प्लस सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में क्या, s2, अगर मैं s2 को हटा देता हूं तो कौन बचेगा, s1 एंड s3, तो सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना s1 एंड s3 प्लस, अगर मैं क्लास थर्ड वाले के डिनोमिनेटर का s3 हटा दूं तो कौन बचेगा, s1 एंड s2, तो क्लास इसको मल्टीप्लाई करना है s1 एंड s2। अब देखो क्लास, 3x यहां पे है, अगर आप चाहो तीनों के पास x आ रहा है, x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा s2 s2 s3 s3 s1 s1 s2, और डिनोमिनेटर में s1 s2 एंड s3, x से x कट गया क्लास। तो होता क्या है, देखो ये है 3 डिवाइडेड बाय, अब मैं उसे थोड़ा सिमेट्रिकल वे में लिख लेता हूं, s1 s2 s2 s3 s3 s1, याद करना आसान होगा, डिवाइडेड बाय s1 s2 एंड s3। तो ये क्लास कुछ इस तरीके से होता है समझने के लिए, 3 बाय 1 डिवाइडेड बाय s1 s2 s2 s3 s3 s1 s1 s2 एंड s3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, तो आपके पास आ जाएगा 3 s1 s2 s3 s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, एवरेज स्पीड का। ठीक है क्लास, ये जो लिखा है वो यही है, बस मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, पहले 1 2 लिख दिया, फिर 2 3 लिखा, फिर 3 1 लिखा। तो क्लास आपने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है। तो अब आपका क्लास खुद बताओ, आप सारे फॉर्मूले याद कर लोगे क्या, नहीं ना,
आप सारी ट्रिक कभी याद नहीं कर सकते। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको बस क्या करना है, एवरेज स्पीड का याद करना है। क्लास याद रखना, पढ़ाई ही सबसे बड़ा औजार है हम लोगों को हमारा भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और औजार होता तो सब वो खोल लिए होते, ठीक। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड जब भी पूछे हमें क्या करना है ये, और एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसान कंसेप्ट है। जब भी वो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर वो वापस आ रहा है घूम के तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाता है क्लास, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है क्लास। तो अब मैंने करा दिया आपको स्पीड करा दिया डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस करा दिया, डिस्प्लेसमेंट करा दिया, स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब हमारी बची है मोशन ऑफ इक्वेशन। और याद रखना क्लास, आप सब में से जिसने भी साइंस स्ट्रीम लेने का सोच रखा है और साइंस स्ट्रीम से अपना फ्यूचर सोच रखा है तो आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स में मोशन ऑफ इक्वेशन के बिना मोशन या किसी भी वस्तु का चलना आप नहीं समझ सकते और नहीं पढ़ सकते। अगर आपने नाइन्थ में वो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप चाहे कितना दम लगा लें आपको इलेवेंथ में वो चीज़ें समझ नहीं आएगी, ठीक है क्लास। तो मेरा इसका पार्ट थर्ड और आएगा जिसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, इसका मोशन ऑफ इक्वेशन। थैंक यू क्लास।